आखिर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया तालिबान और अफगानिस्तान के लिए, तो वहीं भारत के दोस्त पकड़े गए अफगानिस्तान में। अब तालिबान क्या करेगा उनका, तो वहीं अब तेजस ने वो कर दिया है जो रूस और अमेरिका भी नहीं कर पाए। अब सिर्फ राफेल नहीं, तेजस ने वो शक्ति हासिल कर ली है जो दो शक्तियों का कॉम्बिनेशन है और भयानक बन चुका है तेजस। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में आखिर तालिबान इतनी तेजी से कैसे जीत हासिल कर पाया, उसकी भी गुत्थी सुलझ कर सामने आ गई है। मात्र 70 से 80 हजार की संख्या 3 लाख सैनिकों पर कैसे भारी पड़ गई, वो बिल्कुल सामने आ गया है। दरअसल यहाँ बड़ा लंबा खेल खेला गया और अमेरिका इस साजिश को समझ नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात ये है, हैरानी की बात है कि 53 साल बाद अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी नाकाम हुई और 20 साल तक अरबों डॉलर खर्च करके जिस अफगान सेना को ताकतवर बनाने का दावा कर रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो भी गलत निकला। अब तालिबान काबुल से मात्र 90 किलोमीटर दूर है। कभी जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि ये एक ऐसा युद्ध है जो हमेशा चलेगा, लेकिन बाइडेन ने इसे तुरंत बंद कर दिया। और न सिर्फ बंद कर दिया बल्कि अब अमेरिका अपने दूतावास के लिए तालिबान से संपर्क साध रहा है कि तालिबान ऐसा न करे। 1967 के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी सामने निकल कर आई, क्योंकि तालिबान ने एक योजना बनाई और उस योजना के आधार पर तालिबान चला। तालिबान ने आखिर इतनी जल्दी कैसे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, CIA, DIA, NDS और अफगान सेना सबके नाक के नीचे ये प्लान बना। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारी ये मानकर चल रहे थे कि तालिबान बातचीत करेगा अफगानिस्तान की सरकार से और फिर 1 साल तक तो आराम से अफगानिस्तान की सरकार रह जाएगी, लेकिन गलत अनुमान लगाया कि अफगान सेना 1 साल तक तालिबान को रोक पाएगी। अब इसके पीछे क्या प्लान है तालिबान का, तो वो समझिए। तालिबान के कमांडर गुपचुप तरीके से अफगान सेना के जो कमांडर है उनसे बातें कर रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण नेताओं के संपर्क में भी है। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमारा साथ दोगे तो हम फिर आपको छोड़ देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं करेंगे। यानी अफगान सेना के प्रमुख पदों पर जो लोग हैं उनके साथ एक गुप्त समझौता हो गया है। यही कारण है कि अफगान सरकार ने बहुत तेजी से अपनी सेना के कमांडर बदलने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में अफगान सरकार ने अपने आर्मी चीफ को भी बदला, क्योंकि खुद अफगान की सेना के कमांडर मिले हुए हैं। अमेरिका बहुत मदद कर रहा है, यहाँ तक कि एयर स्ट्राइक भी कर रहा है और ये भी आश्वासन दे रहा है कि आगे भी मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अफगानिस्तान की सेना ही जाकर तालिबान से मिल चुकी है। यही वजह है कि अमेरिकी सरकार का एयर स्ट्राइक, अमेरिका और भारत का हथियारों का भेजना, ये सब कुछ बेकार जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि भारत का दोस्त भी तालिबान के कब्जे में आ गया है। दरअसल हेरात शहर का शेर कहा जाने वाला इस्माइल खान, जो कि भारत का दोस्त कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सलमा डैम बनाने में बहुत बड़ी मदद की थी और बड़ा सुरक्षा दिया था। भारत के अच्छे दोस्त माने जाते हैं ये। हेरात शहर में इन्होंने अपने दम पर रोक रखा था तालिबान को, लेकिन आखिरकार तालिबान ने इन्हें पकड़ ही लिया और पकड़ने के बाद इनके साथ अपनी फोटो जारी की है ताकि जो भी विद्रोही हैं उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। अब ये इनके साथ क्या करते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तालिबान का जो इतिहास रहा है वो नहीं लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। पर बड़ी दुखद स्थिति में अफगानिस्तान है, हालांकि इसके पीछे कहीं न कहीं अफगानी सेना ही जिम्मेदार है, वरना 70-80 हजार लोग कभी भी 3 लाख के ऊपर भारी नहीं पड़ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और तालिबान के बीच जो डील हुई थी वो डील ऐसी नहीं थी
जो बाइडेन ने इसे बिल्कुल कचरा बना दिया और अपने सैनिकों को इस तरीके से निकाला कि लग रहा है जैसे अमेरिकी सैनिक वहां से भाग रहे हैं, जैसे तैसे छोड़कर चुपचाप निकल आया, कोई शर्त कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हो गई है। मैंने कभी इस तरह की स्थिति के लिए तालिबान से समझौता नहीं किया था। अमेरिका के व्यक्तित्व के खिलाफ है जो इस वक्त हो रहा है और जो बाइडेन ने किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर चौंका दिया है और चीन, जो अपने आप को ये समझता था भारत के साथ युद्ध जीत जाएगा, वो बड़ी मुश्किल में है। जो रूस और अमेरिका नहीं कर पाए वो भारत करेगा। चीन से एक नहीं बल्कि दो कदम आगे निकल चुका है भारत। पहली बात तो भारत के उस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन दोनों ही सदमे में रहते हैं और डरे हुए रहते हैं, जो जमीन आसमान और पानी तीनों में चलता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस दुनिया का एकमात्र ऐसा मिसाइल है जो तीनों ही सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है और फायर किया जा सकता है। और अब DRDO ब्रह्मोस के लाइट वर्जन ब्रह्मोस NG पर काम कर रही है। और अब तक ये बात चल रही थी कि आखिर ब्रह्मोस के लाइट वर्जन का इस्तेमाल कहाँ करेगा भारत, पर दरअसल यहाँ पर एक बड़ी रणनीति है और वो रणनीति है J20 के लिए। वैसे तो चीन अपने J20 को स्टिल्थ फाइटर जेट का कहता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी दुनिया को पता नहीं है। J20 को लेकर चीन इतना सतर्क रहता है कि किसी भी युद्धाभ्यास में उसे हिस्सा लेने नहीं देता है। बस एकमात्र युद्धाभ्यास हाल में जो रूस के साथ उसने किया है उसी में उसने J20 को उतारा है। पर किसी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर चीन का J20 स्टिल्थ है तो फिर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है। ऐसे में भारत ने इसका उपाय निकाल लिया है और चीन के ऊपर राफेल नहीं बल्कि अभी तो सिर्फ राफेल से डरा था चीन, अब तेजस चीनी J20 का हाल बेहाल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट वर्जन ब्रह्मोस का बन रहा है वो जहां Sukhoi 30 में इस्तेमाल होगा तो वहीं अब उसकी तैयारी की जा रही है तेजस में लगाने के लिए। तेजस में लगने के बाद ये क्रूज मिसाइल अपने फायर पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेगा। अब जो J20 भारत के राफेल को घेरने के चक्कर में था, समस्या उसके लिए भारतीय तेजस से बचने की है। अभी तो 40 ऐसे सुखोई विमान हैं जिससे ब्रह्मोस को दागे जाने की क्षमता बनाई गई है, पर अब अपने ही देश में बनी तेजस में ये क्षमता होगी। तेजस मिसाइलों को दाग सकेगा और वो भी ब्रह्मोस को, जिससे पहले ही चीन डरता है। अब तेजस को ऐसा बनाया जा रहा है कि भविष्य में इसमें ब्रह्मोस फिट आ सके और ब्रह्मोस को दागने में कोई प्रॉब्लम न हो। पहले जिस ब्रह्मोस से डरा हुआ था चीन, अब तेजस के साथ ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन बड़ा ही खतरनाक बन रहा है। वैसे यूं ही भारतीय सेना प्रमुख ने नहीं कह दिया था कि हम जंग के लिए तैयार हैं। इसके पीछे की वजह निकल कर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक की मदद नहीं दी, सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।